जब भारत का कहीं दुनिया में नाम आता है तो भारत से पहले बुद्ध का नाम आता है। लोग कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हो, लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का प्रकाश। पूरी दुनिया में इस नाम से जाना जाता है बुद्ध को। और आधे नंबर तो यानी आधी जित तो वैसे ही मिल जाती है अगर आप कहते हैं कि हम इंडिया और भारत से आए हैं, तो इसका मतलब बुद्ध के देश से आए हैं। और बुद्ध के देश से आए हैं तो बुद्ध की जो आचार विचार और जो उनका व्यवहार है वो तो नेचुरल होगा ही, ऐसा वो मान के चलते हैं। तो पूरी दुनिया में भारत की इज्जत इसलिए है क्योंकि भारत बुद्ध का देश है और बुद्ध जगत गुरु है। बुद्ध के मायने क्या है, बुद्ध का अर्थ क्या है, क्योंकि हम बुद्ध को जानते हैं एक बैठा हुआ व्यक्ति है जो स्टैचू में बैठा हुआ है, जो पालती मार के बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, हम उसको बुद्ध मानते हैं। दरअसल बुद्ध शब्द का मतलब क्या है, बुद्ध शब्द का मतलब क्या है पाली के अंदर, पुरानी भाषा में बुद्ध के समय, बुद्ध से पहले। बोधि प्लस धम्म, यानी बोधि धम्म, जो व्यक्ति बोधि को प्राप्त कर लेता है धम्म के अनुसार, यानी प्राकृतिक नियम के अनुसार बोधि को प्राप्त कर लेता है, उसको बुद्ध बोलते हैं। यानी कि जो जिसको धम्म का बोध हो जाए, जो धम्म का जानकार हो जाए, धम्म का बोध हो गया तो बुद्ध हो गया। यानी प्राकृतिक जितने रूल हैं, नियम हैं, उसकी जानकारी हो गई, बोधि का धम्म का अगर ज्ञान हो गया, बोध हो गया, बोधि प्राप्त हो गई तो बुद्ध हो गया। और बहुत बुद्ध पहले हुए हैं और बहुत बुद्ध बाद में होंगे भी, क्योंकि बोधि का जानकारी और ज्ञान और प्राप्त करने के लिए हर बुद्ध ने तरीका और ज्ञान बताया है कि इस रास्ते चलोगे तो बोधि प्राप्त हो जाएगी, तो बुद्ध बन जाओगे। धन्यवाद। मुसा वादा गुरु मन सिखा पदिंग स्मार।